Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta. तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? तो भाई देखो, मैंने यहाँ पर एक सीक्रेट रूम ढूंढा है जो कि विस्टा में है। तो भाई यू देखने के लिए ना भाई लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई हम विस्टा में कुछ ग्लिचेस के भाई मतलब ग्लिचेस बताने वाला हूँ। तो भाई देखो, यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है, कुछ ने आपको गन लेकर यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से जंप करके यहाँ पर लेज ग्रैब यूज कर लेना है। यहाँ पर लेज ग्रैब यूज करने के बाद आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्राउच होना है और थोड़ा ऊपर जाने के बाद प्रोन हो जाना है और भाई थोड़ा और ऊपर जाने के बाद आपको कर लेना है बैकपैक ओपन और स्केट को यूज कर लेना है और एग्जिट कर देना है। एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और भाई आप यहाँ से हर तरफ के मतलब जहाँ भी बंदे होंगे हर तरफ से बंदों को मार सकते हो। कहाँ पर भी बंदे वो आपको स्पॉट हो जाएगी और बंदे सोचते रह जाएंगे कि भाई बंदा मार रहा है तो मार कहाँ से रहा है, मतलब यार वो बंदे सोचते रह जाएंगे और आप सभी को किल भी कर दोगे। तो भाई ये ट्रिक आपको कैसे लगी जरूर कमेंट में जाकर दिखाना। और भाई इतनी बात नहीं है भाई, यहाँ से हम बाहर फायर भी कर सकते हैं और भाई यहाँ से हम बाहर थ्रोवेल भी फेंक सकते हैं। और भाई आपको शक हो रहा होगा कि भाई ये तो पूरा ओपन दिख रहा है, पर नहीं भाई, देख सकते हो आप यहाँ पर इसके अंदर हो भाई, एक बक्से के अंदर हो। तो भाई देखो, और नीचे से तो भाई कवर ही है और भाई राइट से तो आपको राइट लेफ्ट भाई आगे पीछे सब तरह से देख सकते हो कि वहाँ पर एक छोटी सी लेंथ बनी हुई है। तो भाई बाहर निकलने के बाद तो भाई कुछ ने आपको यहाँ पर आकर स्केट को यूज़ कर लेना है कोने में आकर। और जैसे ही स्केट को यूज़ करोगे तो भाई बूम गए, तो आप यहाँ से आसानी से बाहर आ जाओगे। तो भाई चलो बढ़ते हैं हमारी ट्रिप नंबर 2 and 2 की तरफ। तो भाई देखो, यहाँ पर ना भाई विस्टा में भाई बहुत ही ज़्यादा ग्लिचेस है, मतलब ग्लिचेस का घर है यार विस्टा। तो भाई देखो, ग्लिचेस मतलब विस्टा में और ग्लिच ना हो ही नहीं सकता। तो भाई चलो बढ़ते हैं हमारी ग्लिच की तरफ। तो भाई देखो, यहाँ पर आ जाने के बाद आपको भाई ऊपर बंदे बहुत ज़्यादा कैंप करते हैं। तो भाई ऊपर के बंदों को आप नीचे से कैसे मार सकते हो? तो भाई देखो, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर इस कोने में आकर आपको स्केटबोर्ड को यूज़ करना है और जल्दी से स्केटबोर्ड को यूज़ करने के बाद एग्जिट कर देना है। एंड बूम गाइस, आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हो आप यहाँ से बंदों को पेल भी सकते हो, इतना ही नहीं आप यहाँ से पूरा ऊपर का व्यू भी ले सकते हो और भाई नीचे भी बंदों को पेल सकते हो। और भाई अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो भाई कुछ नहीं, आप इस साइड आ जाना है। इस साइड आने के बाद आपको स्केटबोर्ड को यूज़ कर लेना है और भाई जैसे यूज़ करके एग्जिट कर लोगे बूम गाइस आप ऊपर भी आ जाओगे। तो ये ट्रिक आपको कैसे लगी जरूर कमेंट में जाना और भाई ज़रूर से बता देना। और भाई इतना ही नहीं तो ये आपके लिए बहुत वर्कफुल होने वाले है, इसको आप यूज़ करते हो तो भाई क्या होता है तो वो भी बताना और आपके टीममेट क्या बोलते हैं वो भी बताना। तो बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 3 की तरफ जो कि विस्टा में वर्क कर रही है अभी भी। तो भाई देखो, यहाँ पर एक सीक्रेट रूम हुआ करता था पर अब वो पबजी वालों ने मतलब पबजी लाइट वालों ने बंद कर दिया। मतलब यार कुछ तो सोचते हैं पबजी वाले, बग है तो बंद करनी पड़ेगी। तो कुछ ने आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर दूसरा सीक्रेट रूम है तो यहाँ पर आप स्केटबोर्ड को यूज़ करना है और भाई स्केटबोर्ड को यूज़ करके थोड़ा आगे जाना है ओके, और जल्दी से एग्जिट कर देना है थोड़े आगे जाने के बाद। एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर एक सीक्रेट रूम के अंदर हम आ चुके हैं। तो भाई तुम बोल रहे हो यार ये तो पूरा खुला है, तो नहीं भाई, देख सकते हो आप एक सीक्रेट रूम के अंदर हो, कोई आपको स्पॉट भी नहीं कर सकता। यहाँ से आप सामने वाले राइट वाले लेफ्ट वाले बंदों को मार सकते हो पर भाई पीछे वाले बंदों को नहीं मार पाओगे। पर भाई सामने अगर आपने एक एनिमी नॉक कर दिया किया बॉट फायर किया तो भाई एनिमी आने वाले हैं, बिल्कुल भी आएंगे और भाई उनको आना ही पड़ेगा क्योंकि भाई किल के भूखे कौन नहीं होते। तो भाई यहाँ पर आप पूरी की पूरी स्क्वाड अकेले वाइप कर सकते हो और भाई आपकी टीम को बचा सकते हो लास्ट जोन तक। और भाई अगर गलती से यहाँ पर लास्ट जोन बनता है तो भाई यहाँ पर आपके ही फायदे है। तो भाई देख सकते हो आप पूरी तरह से यहाँ पर हाइड हो चुके हो और भाई किसी को पता भी नहीं। यहाँ पर बैठ कर आप हील भी कर सकते हो, मतलब हील बैटल भी कर सकते हो यहाँ पर बैठ कर। देखो मैं हील कर रहा हूँ। और भाई रही बात यहाँ से निकलने की, तो आपको कुछ ने स्केटबोर्ड को यूज़ कर लेना और यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाना है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाय।